अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया, मैं हूं आपका दोस्त सुधीर शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि पनवेल क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए एक व्यक्ति जो सबसे ज्यादा प्रयासरत है उनका नाम है विधायक प्रशांत ठाकुर। नगराध्यक्ष से लेकर तीन बार लगातार आप विधायक रहे हैं पनवेल के, और महानगर पालिका के जरिए हो या सरकार की योजनाओं के जरिए हो, पनवेल के समग्र विकास के लिए आप प्रयत्नशील हैं। इस वक्त स्वयं हमारे साथ विधायक प्रशांत ठाकुर साहब हैं। हम चाहेंगे कि उनसे हम पनवेल के विकास को लेकर तमाम जो मुद्दे हैं उस पर हम आपसे जानना चाहेंगे, और क्या चुनौतियां हैं उसके विकास में, बाधाएं किस तरह की हैं, और उन्हें ठीक करने के लिए, उन्हें रास्ते पर लगाने के लिए या पनवेल के विकास को गति देने के लिए किस तरह के आपके जरिए प्रयास हो रहे हैं और किन किन प्रयासों की और जरूरत है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले सर सवाल ये आपसे कि लंबा लॉकडाउन चल रहा है, इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लोगों का जीवन सामान्य है, उसके लिए निरंतर प्रशासन और आपके जरिए भी प्रयास चल रहे हैं, किस तरह की चुनौतियां आप देख रहे हैं कि इतने लंबे, क्योंकि पहले कभी ऐसा देखा नहीं गया, तो ये पहली बार ऐसा है जब अनुभव किया जा रहा है इस तरह की तकलीफ, आप इन चुनौतियों को कैसे देख रहे हैं और किस तरह से आपके प्रयास चल रहे हैं? सुधीर जी, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसा आपने शुरुआत की, कोरोना का ये जो संकट है ये, इसके बारे में हमने कहीं जहन में भी सोचा नहीं था। हम कितना भी सोचने की कोशिश करें तो इस तरीके की आपदा कभी आएगी हमने सोचा नहीं था। और उसकी वजह से हमारा पनवेल का क्षेत्र नहीं, महाराष्ट्र, देश, पूरे विश्व भर में इसका तूफान, हम सारे लोग इसका अनुभव कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हम भारतवासी सभी भाग्यशाली हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व तो इस वक्त इस देश को मिला हुआ है। yes. जब ये संकट हमारे ऊपर आया है और उसका असर ऐसा है कि इतनी बड़ी आबादी, देश की नंबर दो की आबादी है, और इतनी बड़ी आबादी और उसमें भी जनतंत्र के आधार पर इस देश को आगे चलाते हुए हमने देखा हुआ है कि रिसोर्सेस के मामले में, हॉस्पिटल या ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम लोग कई हद तक पीछे थे। yes, और हमारे देश की जो हम कहेंगे कि सांस्कृतिक ताना बाना जो है कि हम आम तौर पर भीड़ के साथ में जीना हमारा जीवन का एक स्थायी भाव बन चुका है, और ऐसी सूरत में ऐसी बीमारी जिसमें हमें मास्क पहनने पर विवश किया है, जिसमें हमें एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग, शारीरिक अंतर रखने के ऊपर हम सभी को मजबूर किया हुआ, ऐसे में देश के लोगों को एक एक ट्रैक पे लेके आना, और उसके साथ साथ उसको हम आगे डेवलपमेंट की ओर लेके जाना चाहते थे, ऐसे में जो ब्रेक लगा हुआ है, तो लोगों को साथ में लेके चलना ये बहुत बड़ा टास्क था। और मैं समझता हूँ कि काफी हद तक, जहां तक हम कहते हैं कि अमेरिका जैसा देश है, उसमें लोगों को जो कोरोना के केसेस मरीज पाए गए, नंबर ऑफ डेथ्स या लोगों के मरने की संख्या, इसको तुलना करते हुए इस देश में कोरोना के इस संकट को, इस संकट में देश को उभारने के लिए मोदी जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। देश की जनता ने लॉकडाउन में कुछ, अगर हम लोग उदाहरण छोड़ दें तो काफी हद तक लोगों ने भी मोदी जी के आह्वान को साथ दिया हुआ है। और ऐसे में मैं समझता हूँ कि हम हर एक की जिम्मेवारी है कि अपनी अपनी कैपेसिटी में, अपनी अपनी क्षमता से हम इस समय में लोगों को सवारने के लिए मदद करें। आदरणीय रामशेठ ठाकुर जी के नेतृत्व में हमने पिछले समय में जो जो काम करना पड़े, लॉकडाउन वन से लेके लॉकडाउन फोर तक जो जो काम करना पड़े वो काम करने के लिए हमने प्रयास किया है। लोगों के जीवन में उनको तकलीफें ना आए इसके लिए क्या कर सकते हैं, लोगों को जिनका रोजगार छिन गया, जिनका रोजगार बंद हो गया, ऐसे लोगों को घर घर चलाने के लिए मुसीबतें आ रही हैं, उसके लिए क्या करें, ये सब रामशेठ ठाकुर जी ने सोचा। फूड के पैकेट्स बनाए गए, हम वो पैकेट्स लेके अब लगभग 45,000 लोगों तक हम पहुंच चुके हैं। उसके साथ साथ हमने खारघर में
कलमबोली में, कामोठा में, पनवेल में हमने मोदी भोजन कम्युनिटी किचन चलाया और जिसके माध्यम से लगभग 1.5 लाख लोगों को हम अब तक खाना दे चुके हैं। उसी के साथ साथ अलग अलग शहरों में चाहे सब्जियां लोगों के सोसाइटी के दरवाजे तक पहुंचाना, चाहे गैस सिलेंडर रिलेटेड ये होना लोगों को, फिर जब ट्रांसपोर्ट लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की परमिशन मिली तो ऐसे में लोगों को पासेस के लिए मदद करना, ऐसे सारे काम भारतीय जनता पार्टी के आर्सेनिक एल्बम भी बहुत जगह पे बांटे गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आर्सेनिक एल्बम जो पत्रकार क्षमता बढ़ाती है तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी कई सारे हमारे कॉर्पोरेटर्स, हमारे कार्यकर्ता आगे आए और उन्होंने ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन करके उसके माध्यम से लोगों को राहत देने की कोशिश की है। रामशेठ ठाकुर जी का जन्मदिन था तो उस वक्त हमने लगभग 85,000 मास्क हम लोगों ने बांटे अलग अलग जगह पे, जिनको मास्क भी पहनने का, जिनके पास पैसा नहीं है उन लोग को ये देने के लिए प्रयास किए। बहुत सारे नगर सेवकों ने अपने खर्चे से, जैसे संतोष शेट्टी है हमारे, हमारे खारगर के कार्यकर्ता है, हमारे बहुत सारे जगह पे कार्यकर्ताओं ने खुद के खर्चे से सोसाइटी सैनिटाइज की। ऐसे कई सारे उदाहरण मैं दे पाऊंगा कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगे आए और उन्होंने आगे आकर लोगों की मदद की। आज कोरोना का संकट कम नहीं हुआ लेकिन आज हम उसके लिए तैयार हो चुके हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में जब अनलॉकडाउन की प्रोसीजर स्टार्ट हो चुकी है तो ऐसे भी समय में लोगों को मदद करना, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं इसका, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी सोच विचार कर रही है और उसके साथ साथ हम लोग एक दूसरे का सहारा बनकर काम कर रहे हैं। सर, एक आपने बहुत बड़ी पहल की थी कि अगर कंपेयर टू अदर, अगर सिटी देखा जैसे नवी मुंबई या कल्याण या थाने, उसके बनिस्पत पनवेल को सुरक्षित रखने के लिए आपने एक बड़ी पहल की थी और ये थी कि बीएमसी जो यहाँ पर कोरोना बढ़ रहा है वो मुंबई से जो कार्यरत, मुंबई में जो कार्यरत जो अति आवश्यक सेवाओं में लोग थे उनके जरिए बढ़ रहा था, ये सामने आया जो मामला महानगर पालिका के जरिए। आपने एक पहल की थी कि उनको मुंबई में ही रहने के लिए टेम्पररी आवास उपलब्ध कराया जाए, जो जानकारी मिली कि बीएमसी ने पहले हाँ भी कहा था लेकिन बाद में उसे नकार दिया, उसके बाद आप तो कोर्ट में भी गए थे। तो सर, उसमें कोर्ट में आखिर क्या वजह हो गई कि इस इतने सीरियस मैटर को कोर्ट ने खारिज कर दिया, अब इसके आगे की क्या पहल होगी, क्योंकि आपका उद्देश्य तो पनवेलकरों को सुरक्षित रखना था। ऐसा है कि हमने जब अप्रैल एंड में ये पाया कि काफी हद तक पनवेल के क्षेत्र में जिनको कोरोना हो रहा है इनका अगर हम लोग डिटेल्स पढ़े, क्योंकि इन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री देखी जाती है, ये कहाँ कहाँ गए, किसको किसको मिले, उसका भी उसकी भी जांच होनी चाहिए। ये लोगों ने ये जब गवर्नमेंट की ओर से चेक किया जाता है ताकि ऐसे पेशेंट के कांटेक्ट में जो लोग आए होंगे उनको कोरोना हो ना नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने जब भी इसकी छानबीन की तो पता चला कि ये सारे लोग रोज मुंबई जाते थे, मुंबई से वापस आते थे। क्यों जाते थे? तो इनमें से बहुत सारे लोग अत्यावश्यक सेवा में काम कर रहे थे, चाहे बीएमसी के कर्मचारी हो, चाहे ये पुलिस में हो, चाहे किसी और क्षेत्र में हो, ये सारे लोग मिलकर जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि मरीज हुए कोरोना के या उनके परिवार के लोग मरीज हुए, उसको देखते हुए मैंने ये मांग की थी अप्रैल महीने में, हमने मांग की थी कि इन लोग के रहने की व्यवस्था मुंबई में की जाए ताकि मुंबई में कोरोना का जो कहर है उसमें अत्यावश्यक सेवा देने वाले ये लोग हैं, तो इन लोगों को आज अगर उनके काम के नजदीक रुकाया जाए तो उनके आने जाने में जो समय लगता है वो कम होगा। आज बहुत ज्यादा ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसे लोग लोगों के ज्यादा कांटेक्ट में आते हैं और उनकी वजह से उनको कोरोना का शिकार बनना पड़ता है, फैमिली को भी, तो उससे उनकी फैमिली को रिस्क ज्यादा है। यस, और किसी को रिस्क उसमें से नहीं था, उल्टे ये लोग तो सरकार के अधिकारी हैं कि इन्होंने ऐसे समय में इस सेवा से अपना मुंह नहीं मोड़ा, वो सेवा करते रहे, तो हम तो उनका सम्मान करना चाहते, उनके परिवार के बारे में हमें गर्व है, पर उनकी ही सेहत के लिए हमने मांग की थी। दुर्भाग्यवश राज्य सरकार ने इसका स्वीकार नहीं किया, फिर एक समय आया कि हमने तो
पनवेल को ही हम बंद करेंगे ऐसा हमने सोचा। फिर बीएमसी के कमिश्नर ने कहा कि ठीक है हम व्यवस्था करेंगे, ऑर्डर निकले और उसके दो तीन दिन के बाद प्रवीण सिंह परदेशी जी की ट्रांसफर का हमने सुना और उसके बाद में फिर ये कदम रुक गया। अगर आप देखेंगे कि पनवेल में आज जिनको कोरोना का शिकार होना पड़ा है ऐसे में से 80% से ज्यादा, और एक आप अगर पकड़ लेंगे तो महीना भर पहले 90% से ज्यादा लोग कोरोना से प्रभावित थे। तो आज अगर कोर्ट ने इसको खारिज किया तो उसके पीछे भी दो तीन रीजन है, क्योंकि अभी तो अनलॉकडाउन शुरू हो गया, अभी तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो रहा है, ऐसे लोगों को लाने जाने के लिए सुविधा ज्यादा बढ़ाई जा रही है, और कॉरपोरेशन ने अपनी असमर्थता व्यक्त की कि हम नहीं इन लोगों का इंतजाम कर पाएंगे, तो ऐसे में वो सेवाएं तो चलना जरूरी है, लेकिन उनकी व्यवस्था जो किसी मंगल कार्यालय में हो सकती थी, किसी और बड़े बड़े भवनों में हो सकती थी, लेकिन इसके बारे में जिस गंभीरता के साथ में राज्य सरकार ने सोचना चाहिए था, मुंबई कॉर्पोरेशन ने सोचना चाहिए था, दुर्भाग्यवश उन्होंने सोचा नहीं, और ये इसकी वजह से आज पनवेल का क्षेत्र कोरोना की चपेट में ज्यादा है। सर आपने आपने बहुत बढ़िया एक मुद्दा उठाया कि राज्य सरकार कहीं ना कहीं इसको नियंत्रित करने में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी उस व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं विफल दिख रही है। खुद भारतीय जनता पार्टी ने, आप लोगों ने स्वयं भी बहुत सारे इलाकों का, पूरे रायगढ़ जिले का जो खास सेंटर्स है जैसे कोविड केयर सेंटर था कोन का और जीएम हॉस्पिटल, आपने खुद उसका जायजा लिया था लीडर्स के साथ, क्या स्थिति है, क्या वाकई सरकार जो जिस तरह की व्यवस्था कोरोना नियंत्रण के लिए करना चाहिए था उसमें विफल हो गई है? मैं इसके लिए अगर आपको कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मुंबई में इसकी क्षति बहुत बड़ी मात्रा में है। सौभाग्यशाली है पनवेल क्षेत्र के लोग के इतना इतना तकलीफदायी यहाँ पर पेशेंट को किसी को एडमिट करना नहीं है। मुंबई में आप देखिए लेकिन के अगर पेशेंट को एडमिट होना है तो कितना समय उसको इंतजार करना पड़ता है, बहुत सारे पेशेंट्स की जान हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते चली गई है। सौभाग्यशाली हम कि पनवेल के क्षेत्र में इतनी तकलीफ उसकी नहीं है, आज की तारीख में भी 250 के घर में पेशेंट की संख्या है, तो उतने हॉस्पिटल के बेड्स हमारे यहाँ पर अवेलेबल है और सभी पेशेंट्स को हॉस्पिटल में ही एडमिट करने की जरूरत आज तक नहीं पड़ी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे साथी कोशिश कर रहे हैं, कॉर्पोरेशन और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है सारे लोग अपनी अपनी ओर से पूरा जी जान लगाकर कोशिश कर रहे हैं कि ये कोरोना का असर कम होता जाए। आज तक तो हम सौभाग्यशाली हैं, उम्मीद करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ऐसा ही रहे, पर ऐसी स्थिति में अगर ये मुंबई का ट्रैफिक और बढ़ता रहेगा तो लोग भी आज लगभग 3-3.5 महीने काम से दूर है, तो ऐसे में अगर वो बाकी सारी प्रायोरिटी छोड़ के काम की ओर भागे और अगर वहां पे उनको कोरोना का शिकार होना पड़े तो मैं समझता हूँ कि स्थिति गंभीर होगी कि उनके परिवार जनों को भी इससे कई हद तक उसकी कोरोना की चपेट में आने की आशंका बहुत ज्यादा। सर आप, मैं थोड़ा सा पनवेल के विकास और समृद्धि को लेकर सवाल, आपका एक सपना है कि पनवेल को विकसित और समृद्ध महानगर पालिका के तौर पर बनाना, जैसे दूसरे जैसे नई मुंबई है उसके नजदीक एक सिटी है, पुरातन शहर है और तमाम यहाँ पर प्राकृतिक रिसोर्सेस भी इस तरह के हैं कि इसको उस तरह से डेवलप किया जा सकता है, नई मुंबई और मुंबई और पुणे का एक तरह से प्रवेश द्वार है ये पनवेल, आपने उसको लेकर बहुत सारा विजन तैयार किया है, लेकिन आपको क्या ऐसा नहीं लगता सर कि जिस तरह से प्रशासनिक बदलाव हो रहे हैं, आयुक्तों का जब सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो रहा है उस वक्त आयुक्तों का तबादला हो गया, दूसरी टेक्निकल चीजें हो गई, तो आपको क्या लगता है सर कि इसमें कौन सी किस तरह की बाधा, इस तरह की कोई पॉलिटिकल बाधा तैयार की जा रही है क्या कि जो आपका ड्रीम है, जो आपका मिशन है कि पनवेल को एक विकसित और समृद्ध क्षेत्र बनाना, उसमें बाधा आ रही है? पनवेल कॉरपोरेशन का निर्माण 2016 अक्टूबर में हुआ और तब से लेकर उससे पहले भी हमने पनवेल कॉरपोरेशन की मांगी इसके लिए कि ताकि एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये सारा कुछ काम करे। हम भाग्यशाली है, गणेश देशमुख जी ने 2 साल पर यहाँ पे काम करते हुए कई सारी चीजों की शुरुआत की है। अब हम तो चाहते थे कि वो कई कुछ और समय तक रहे ताकि अपनी बनाई हुई जो योजनाएं हैं उनके ऊपर अमल होते हुए भी वो देखे, पर राज्य शासन ने
कोरोना के चलते थाना ने उनकी उनकी मांग की कि थाना में वहां पे कंट्रोल करने के लिए उनके जाने की मांग की, और सम्माननीय सुधाकर देशमुख जी यहाँ पर आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके माध्यम से काम आगे चलते रहेंगे, पर राज्य शासन जहाँ पर काम करता है वो काम करते वक्त वहाँ की उसके अंडर आने वाले जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उसके बारे में जिस जागरूकता से राज्य शासन ने काम करने की आवश्यकता दुर्भाग्यवश वो है नहीं, और उसकी वजह से अच्छे काम करने वाले ऑफिसर्स बिना कुछ बताए गए, बिना कुछ इंटीमेशन दिए, बिना एडवांस इंटीमेशन दिए उनको अचानक से हटाया जाता है और एक काम में बाधाएं आती रहती है। आज पनवेल के क्षेत्र की जरूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़े, यहाँ की जो जरूरत है उनको समझने वाला बंदा उसके ऊपर काम करते रहे, और उतने में ही अगर ये तबादले होते रहे तो उसका जाहिर से असर उस शहर की ग्रोथ पर होगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि ये बाधाएं ना आए, पर अब ये कोरोना की एक तो चपेट में सारा डेवलपमेंट आ गया और उसके चलते उसके और ये तबादले, तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो असर होगा। सर, एक आपने डिमांड की थी कि यहाँ पर जिस तरह का जो जानकारी है कि तकरीबन 15 से 16 लाख की आबादी पनवेल मनपा क्षेत्र की हो गई है, और जो अगर कर्मचारियों के हिसाब से देखें तो सिर्फ 700-750 कर्मचारी ही यहाँ पे काम करते हैं। आपने उसके लिए आकृति बंद की मांग थी, स्टाफ पैटर्न भी आपने डिमांड की थी, इसकी कहाँ तक बात पहुंची है सर? जब तक क्योंकि स्टाफ नहीं रहेगा तो काम जाहिर सी बात है बिल्कुल ही बड़ी चुनौती है पनवेल कॉर्पोरेशन के सामने, क्योंकि जिन लोगों ने इस फील्ड में काम किया है ऐसे लोगों को यहाँ पर फुल कैपेसिटी में काम सौंपने की आवश्यकता है, और अगर ये स्टाफिंग पैटर्न अगर मंजूर ना हो तो उसका नुकसान खामियाजा सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ता है उस शहर के डेवलपमेंट को, और हम यही होते हुए देख रहे हैं कि फिर टेम्पररी लोगों के दम पर कितना चला जाए, तो उसकी वजह से ये स्टाफिंग पैटर्न जल्द से जल्द मंजूर हो। नया सरकार आकर 6 महीने से ज़्यादा समय गुजर चुका है पर इसके बारे में कोई पहल नहीं हो रही है। मैं सोचता हूँ कि गणेश देशमुख जी ने ये सारा प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजा हुआ है, इसको जल्द से जल्द मंजूरी मिले। सर, आखिरी 2 सवाल और। आप सिडको के चेयरमैन भी रह चुके हैं, बहुत सारी समस्याएं इस क्षेत्र को लेकर हैं, आपने उसके समाधान का प्रयास भी किया था। अगर वर्तमान में देखें तो अगर लॉकडाउन पीरियड को थोड़ा छोड़ दें तो क्या नई सरकार ने उन चुनौतियों को एड्रेस करने की कोशिश की है, उन समस्याओं के समाधान के लिए कोई प्रयास किया है क्या? अगर नहीं हुआ है तो आगे आपकी रणनीति किस तरह की होगी? नई सरकार तो अपने में ही इतने उलझे हुए हैं कि मैं तो उम्मीद नहीं कर पाता कि इनसे कुछ हो पाएगा। इस क्षेत्र के विधायक होने के नाते भले सिडको के अध्यक्ष ना हो, हम इन समस्याओं को अलग अलग फ्रंट पर लाते आए हैं, अब तक आने वाले समय में भी लाते रहेंगे, पर एक डायनामिक विजन जो देवेंद्र फडणवीस जी की थी और जिसके चलते नरेंद्र मोदी जी की जो काम करने की जो पैशन है उसके थ्रू जो प्रगति का उनका इनका फॉलोअप लेना और उसके थ्रू स्टेट गवर्नमेंट का फॉलोअप लेना, ये जो हम बार बार देखते थे पिछले समय में, पिछले ये 6 महीने नए सरकार के हुए इसमें तो हमने ऐसा कुछ देखा नहीं। और मैं जैसा मैंने कहा ये लोग अपने आप में ही इतने उलझे हुए हैं कि और कहीं देखने को इनके पास कोई फुर्सत नहीं। सर, आप अभी विजन आपका क्या है कि अभी लॉकडाउन ओपन हो रहा है तो आने वाले समय में किस तरह की आपकी रणनीति होगी? लोग कह रहे हैं कि ये काम करने की नई अपॉर्चुनिटी है या एक नया तरीका होगा, जैसे खुद पीएम मोदी जी ने भी कहा है कि अब लोकल से ग्लोबल होने का वक्त आ गया और लोकल से लोकल होने का वक्त आ गया, आप इसे किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं और क्या वाकई कुछ बदलाव होंगे कामकाज में, और इस बदलाव के बीच पनवेल की तस्वीर को आप किस तरह से देखते हैं आने वाले समय में? देखिए, कोरोना के चलते जो स्लोडाउन आ गया है उसकी वजह से शायद फाइनेंस में दिक्कत आ जाए और उसकी वजह से कुछ हद तक तो असर होके रहेगा, पर एक मैं कहता हूँ कि एक बुराई में अच्छाई हम कहते हैं तो वो तो ये है कि टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेना
हम सीख गए उसके आदि होना अब हम देख रहे हैं कि लोगों में काफ़ी हद तक देखा जाता है, तो इसका भी कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाते हुए लोगों को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित किया जा सकता है और उसके आधार के ऊपर लोगों की जो समस्याएं हैं आए दिन लोगों को जो काम रोज़ करने पड़ते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी के उन कामों में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेकर उनको किस तरीके से सपोर्ट किया जा सकता है, ये कोशिशें मैं समझता हूँ कॉरपोरेशन या अलग अलग एंटरप्राइजेस कर सकती है और उसके माध्यम से कुछ हद तक लोगों को नई चीज़ों का नई टेक्नोलॉजी का स्वीकार करके अपने जीवन में बदलाव लाते हुए हम देख सकते हैं। सर एक इसी में से क्रॉस क्वेश्चन है जो छूट गया था मुझसे, अभी एक तरह से देखा तो सारी जो एजुकेशन सिस्टम है सारा वो ऑनलाइन तरीके से भी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे स्कूल कॉलेजेस हैं जो ऑनलाइन पढ़ाने के साथ साथ अलग तरीके से डिमांड कर रहे हैं पैसों की। आप हमेशा एजुकेशन में बेहतर सिस्टम डेवलप करने के पीछे रहे हैं, आपने मोर्चा भी निकाला था उसके लिए, आप इस पर अब इस जो ये जो नया अभी वातावरण पैदा हुआ है कि इसमें लोग लॉकडाउन में फंसे थे इसके बावजूद भी तमाम स्कूल और जो हैं वो अपने हिसाब से ट्रेडिशनल वे में काम करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, इसके लिए किस तरह की आपकी आपकी पहल होगी? एक तो मैं इस चीज़ को दोनों तरफ से देखता हूँ। एक ऐसा है कि स्कूल्स को आज अगर बच्चों को पढ़ाई शिक्षा देनी है ऑनलाइन होने दीजिए या फिर आगे बने सोए तो इसमें फीस ना ले ये तो हम किसी स्कूल को नहीं कह सकते, फीस तो देनी पड़ेगी। बस इतना ही है कि फीस लेते वक्त अगर आप ज़बरदस्ती करें तो उसका कहीं ना कहीं उन बच्चों के भवितव्य पर असर हो सकता है। फीस देनी चाहिए इसके लिए क्योंकि जो शिक्षा देने वाले टीचर्स है उनको सैलरीज देनी है, स्कूल का जो सारा फंक्शनिंग है इसको चलाना है तो फीस तो लेनी पड़ेगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके उनको प्रेशराइज करें और प्रेशराइज करके ऐसी चीज़ें ऐड लें। तो मैंने समझता कि यह ठीक होगा, आने वाले समय में ये सारे जो पनवेल और सारे क्षेत्र के स्कूल्स हैं इन्होंने म्यूचुअली काम करने की आवश्यकता है। पेरेंट्स ने भी सोचना चाहिए कि स्कूल चलनी चाहिए तो स्कूल्स को फीस की आवश्यकता बनी रहेगी, स्कूल ने समझना चाहिए कि पेरेंट्स आज जिनके ऊपर कुछ हद तक असर हुआ है वो शायद इमीडिएटली अपनी फीस ना दे पाए, पर जो जिनका जिनकी सर्विस जिनका बिजनेस रूटीन पे आ चुका है उनसे तो जाहिर सी बात है कि उनसे अगर ये फुलफिल किया जाएगा तो ये जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ का जो चक्र है ये चलता रहे, निरंतर चलता रहे। सर आप पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं तो रायगढ़ उत्तर जिला आपके 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 पास है, आप उसकी कमान संभाल रहे हैं, बड़े पैमाने पर आपसे प्रेरित होकर जो युवा हैं रायगढ़ के वो आपसे जुड़े हुए हैं, तो पार्टी को आप आने वाले समय में किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह मजबूती की ओर ले जाना चाहते हैं? मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के आज शीर्ष नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके उनके काम करते वक्त आज हम काम कर रहे हैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं। आपने एक अभी यहाँ पर कहा कि हर किसी संकट को अपॉर्चुनिटी मान लेना और उसमें से हम लोग क्या नया कर सकते हैं, क्या अपने आप में सुधार कर सकते हैं, ये सोचने की उनकी जो क्षमता है ये क्षमता को आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी बात है कि आदरणीय अमित भाई शाह आज केंद्रीय गृह मंत्री के तौर पर इस देश में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो इन दोनों के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो आज काम कर रही है, काम करते वक्त कभी भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इस सत्ता का फ़ायदा दिलाने की कोशिश नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी ने इस सत्ता का फ़ायदा लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सके इसके लिए कार्यकर्ता ने जागरूकता से प्रयास करने की आवश्यकता उन्होंने बार बार हम सभी पे जताई हुई है। अब हम देख रहे हैं कि एक साल इस सरकार का पूरा हुआ, उसमें से दो महीने या तीन महीने तो लॉकडाउन में चले गए, पर उसके पहले हम सभी ने मिलकर देखा कि जैसे 370 कानून है, 370 कानून हटाया गया हमने देखा, उसी के साथ साथ तीन तलाक वाला कानून है, वो तीन तलाक वाला कानून सितंबर में लाया गया हमने देखा
कि समान नागरिकता कायदा ये कानून के माध्यम से आज इस देश में एक बहुत बड़े वर्ग को एक अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है, चाहे असम होने दीजिए चाहे त्रिपुरा होने दीजिए, दोनों जगह पे बॉर्डर पे जो आए दिन मसले पैदा हुआ करते थे उनको सुलझाने के लिए कोशिश हो रही है। आज लॉकडाउन हो गया तो सबसे पहले लॉकडाउन होने के बाद में गरीब कल्याण योजना का अमल किया गया, जिसके माध्यम से महिलाओं को गैस सिलेंडर होने दीजिए, विधवाओं को पेंशन होने दीजिए, उसी के साथ साथ किसानों को उनकी जो प्रधान नरेगा योजना थी उस नरेगा योजना में उसमें 185 से 205 रुपया उनकी आमदनी ये बढ़ाई गई, उनकी उनका जो पेमेंट था वो बढ़ाया गया। और इसी तरीके से कई सारे पैकेजेस साथ में जोड़ दिए, 3 महीने का राशन फ्री देने की बात होनी थी, अनाज फ्री देने की बात होनी थी, तो गरीब के कल्याण के बारे में यहाँ पर उन्होंने व्यवस्था निर्माण की। उसी के सेकंड फेज में अब आत्मनिर्भर भारत इस योजना के माध्यम से अनेक वर्गों में जो कुछ परेशानियाँ लॉकडाउन की वजह से हो सकती है उससे उभर कर आने के लिए उन्होंने उसमें आधार देने के लिए अपनी ओर से प्रयास किए। 20 लाख करोड़ जो इस देश की GDP का यहाँ पर 10% हिस्सा है, तो ये आत्मनिर्भर भारत योजना के माध्यम से अब उन्होंने इस देश को ताकत देने के लिए सोचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी आज गर्व से कह सकती है कि ऐसे नेता उनको काम करते वक्त हम देख रहे हैं, उनको काम करते वक्त हम भी उनके इस कार्य में अपनी ओर से कुछ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का उत्तर का क्षेत्र होने चाहिए दक्षिण का क्षेत्र होने चाहिए, इसके माध्यम से हम काम कर रहे हैं। आज तूफान आता है 3 तारीख को, उसके एक हफ्ते के अंदर हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी कोकण में आते हैं, 2 दिन का दौरा करते हैं, हमको ताकत देते हैं, हमें धाड़स बंधाते हैं, और ताकत के साथ में इन लोगों को कैसे मदद की जाए इसके लिए हम सारे लोग काम में लग जाते हैं। सर आखिर में आपसे मैं संदेश चाहूँगा कि कोरोना का काल जल्दी खत्म हो, आपका जो क्षेत्र है जो पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र है, पनवेल विधानसभा क्षेत्र है, उसे विकास को फिर से गति मिले, आप किस तरह से लोगों से आह्वान करना चाहेंगे, लोगों को क्या करना चाहेंगे? सर मैं तो आपके माध्यम से सभी पनवेल क्षेत्र के लोगों से यही आह्वान करूँगा कि हम सभी आज जिस स्थिति में से गुजर रहे हैं, ये स्थिति हमने इसके बारे में इसके पहले कभी सोचा नहीं था, पर आज हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने आप को इस चुनौती से उभर कर आगे आने के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। इसमें हम एक दूसरे की मदद करें, हमने पिछले 2-3 महीने में अपनी अपनी ओर से हमने दूसरे को देने का प्रयास किया। मोदी जी ने बताया था कि जब अपने को भूख लगे उस वक्त हम लोग दूसरे को निवाला दे, तो ये संस्कृति है, ये हमारे देश की संस्कृति और हमारे देश की पहचान है। इस पहचान को कायम रखते हुए हम अपने आज की स्थिति में भी लोगों को कुछ देने का प्रयास करें। अब हम खुद तो खड़े रहे, उसके साथ साथ लोगों को भी खड़े रहने के लिए आज उनको भी इस देश के विकास के पहिए को दौड़ाने के लिए उन सभी को साथ साथ लेकर चलते रहें। आज हम सारे लोग मिलकर जो मेहनत कर रहे हैं, परमेश्वर इसमें हम सभी को कामयाबी दे। आत्मनिर्भरता की ओर ये हमारा जो कदम है, ये कदम कामयाब होके रहेगा, आप सभी का साथ इसी तरीके से मिलता रहेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो जैसा कि देखा आपने पनवेल के भाजपा विधायक प्रशांत ठाकुर साहब, जो उनकी उम्मीदें हैं पनवेल के विकास को लेकर, इसके विजन को लेकर, और जो लोगों के उत्थान को लेकर उनका विजन है, उसमें वो दिन रात लगे हुए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हों या राज्य सरकार की योजनाएं हों या स्थानीय जो प्रशासन महानगर पालिका, उसके जरिए उनका एक ही मिशन है कि पनवेल समृद्ध और सुरक्षित बने, और इसके लिए आपका जो प्रयास जारी है, निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि पनवेल की जनता जो है, पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र और रायगढ़ की जनता जो है, वो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर जरूर चलेगी। आज की बातचीत में बस इतना ही, अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो अपनी राय आप देना मत भूलिएगा। नमस्कार।